सो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो फिलहाल ये ऑन नहीं हो रही है, तो इसको मैं अभी ऑन करता हूँ और वही धक्का मार के ही ऑन करना पड़ेगा। ऑपरेट नहीं करेगा फ्यूल पंप बैटरी की वजह से, तो फिर आपका फ्यूल पंप जल सकता है या ऐसे और प्रॉब्लम हो सकती है, तो कभी भी हाई स्पीड पे ना चलाइएगा अगर बैटरी में प्रॉब्लम है। अभी पता नहीं क्या हुआ है गाइस, गाड़ी बंद हो गई है। पेट्रोल तो है गाड़ी में, कम है लेकिन है। आज का दिन कैसा है कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो धूप देखिए कितनी है, इसमें अब मैं फंस गया हूँ। आ गया हमारा सेवियर अनुपम, ये रहे अपाचे से। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और देखो भाई, लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्कॉर्पियो उठा ली चौड़ में बिल्कुल। स्कॉर्पियो का भी कुछ नहीं हो सकता। गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने बताया था कि इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो फिलहाल ये ऑन नहीं हो रही है, तो इसको मैं अभी ऑन करता हूँ और वही धक्का मार के ही ऑन करना पड़ेगा। और ऑन करने के बाद इसको लेके चलेंगे शोरूम और चेक करवाएंगे क्या प्रॉब्लम है, बैटरी इशू है कि क्या इशू है जिसकी वजह से या तो बैटरी नहीं चार्ज हो रही है या तो बैटरी ख़राब हो गई है, जो भी है वहाँ पर रीज़न पता चलेगा। तो चलते हैं शोरूम पर, पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और जो जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप कोई भी मेरी आने वाली वीडियो मिस ना करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज़ में नोटिस कर रहा हूँ, अभी जा रहे हैं बाहर, टोचिंग कर रहा है दोस्त मेरा। सो फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो गई भाई, कम से कम नहीं तो 8 बार 9 बार ट्राई किया, उससे ज़्यादा ही बार ट्राई किया। और भाई कि ये रन स्टार्ट करने में भाई देखो प्रॉब्लम तो नहीं होती है, लेकिन इसकी बैटरी बिल्कुल ड्रेन हो गई है, इस वजह से इसको स्टार्ट करने में टाइम लगा, वरना इतना टाइम नहीं लगना चाहिए स्टार्ट होने में। तो बैटरी यानी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, मुझे लग रहा है बैटरी में ही प्रॉब्लम है, जहाँ तक मुझे मैक्सिमम यही लग रहा है, क्योंकि इतनी बैटरी ड्रेन हो जाती है ना तभी ये दिक्कत होती है। और मेन चीज़ है ना कि फ्यूल पम्प, अगर इसका फ्यूल पम्प जो बैटरी से ढंग से सप्लाई नहीं हो पाएगी ना, तो इसका जो फ्यूल पम्प अगर काम नहीं करेगा तब ये गाड़ी मतलब बिल्कुल काम नहीं करेगी ढंग से, और फ्यूल पंप भी इसका ख़राब हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी मुझे इसको शोरूम पे लेके जाना पड़ेगा, कि बैटरी वैटरी डाउन हो जाती है ना तो बहुत प्रॉब्लम आपकी गाड़ी फेस कर सकती है। सिर्फ बैटरी के डाउन होने से ही ईसीयू ख़राब हो सकता है, आपके इलेक्ट्रॉनिक भी ख़राब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि कम पावर जाती है ना तो शॉर्ट कर जाएगा लो पावर में। इंजन से जो पावर आपकी जो सप्लाई होती है ना वो बहुत लाइक डीसी होती है ना, तो वो यूं करके सप्लाई होती है, तो उसके वजह से गैप आता है जिससे बार बार भुगू भुगू ऐसे वाली सेंसेशन होती है, जिससे आपका फ्यूज़ उड़ सकता है, छोटी छोटी जो महीन जो नहीं होती वायरिंग होती है वो जल सकती हैं, खासकर ऐसी बाइकों में जिनमें लाइक अब किक विक नहीं आती। देखिए किक नहीं है तो तभी इतनी प्रॉब्लम हो रही, किक होती तो ये स्टार्ट हो जाती, लेकिन अब किक नहीं आती है इसमें तो भाई ये रनिंग स्टार्ट ऐसे करना पड़ता है। चलते शोरूम लेके और फिर देखते हैं कहाँ बैटरी चेंज होगी, क्या भी होगा। मुझे लग रहा है बैटरी मुझे आज ही लेनी पड़ेगी, तो देखते हैं अभी जाके। स्टार्ट करने में हवा टाइट हो गई, सही में बहुत ही ज़्यादा हवा टाइट हो गई, लेकिन भाई आरसी को चलाने में जो मज़ा है ना अलग ही है। कभी कभी मतलब लाइक ऐसा कभी मन नहीं किया इसको बेचने का ना करेगा, लेकिन यार पैसे इसमें अच्छे खासे लग रहे हैं, क्योंकि इनमें प्रॉब्लम्स आती ही जाती हैं और वो रुक नहीं रही हैं, क्योंकि लाइक अब वक्त के साथ गाड़ी हो ही जाती है ऐसी। तो अब या तो मैं ये करूँगा इस पर अच्छा खासा पैसे लगाऊँगा ताकि बिल्कुल सब कुछ इसका सही हो जाए। अभी तो इसका वाइजर चेंज करवाने हैं, ठीक है, अभी ये मीटर सेल भी सही करवाना पड़ेगा, वरना इसमें पानी चल गया तो फिर ख़राब हो जाएगा। ये सब चीज़ें करवानी हैं, और अभी टायर आगे पीछे दोनों ख़राब हो चुके हैं वो सही करवाना है, यानी अच्छा खासा मोटा मोटा इसमें खर्चा है। तो अब बैटरी की बात रही, अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम निकलती है। वैसे ऑलरेडी मैंने बैटरी के ऊपर एक वीडियो बनाई है, जिन्होंने वो नहीं देखी वो जाके देख सकता है, मैं आई बटन पे डाल दूंगा, जिसमें मैंने अमेरॉन और एक्साइड की बैटरी में कंपैरिजन किया था और लास्ट में बताया था कि अमेरॉन बढ़िया होती है। तो मैं देखता हूँ कौन सी मैं लगवाऊँगा, क्योंकि इसकी ये प्रॉब्लम हो गई है कि लाइक अमेरॉन मैं देखो यूज़ करके देख चुका हूँ, और मेरे हिसाब से अभी मैं यूट्यूब पर जो मैंने वीडियो डाली थी उसको देख के ही बता दूंगा कि कितना टाइम हो गया इसको लगे हुए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा वारंटी कार्ड है वो खो गया है, अब तो मैं इसको शायद पता नहीं रिप्लेस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे नई लेनी पड़ेगी, तो अगर बैटरी ख़राब होती है तो।
इन्फॉर्मेटिव टिप दे देता हूँ, जो कि मैंने एक और वीडियो में अपने बैटरी वाली वीडियो में बताया था, इस पर भी बता देता हूँ कि जब भी आप जैसे बैटरी वैटरी ख़राब होती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है बैटरी से रिलेटेड, सप्लाई से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, तो गाड़ी को कभी भी हाई स्पीडिंग में ना चलाया करिए। क्योंकि अगर आप हाई स्पीडिंग चलाएंगे तो मैंने फ्यूल पंप वाली जो प्रॉब्लम आपको बताई है, अगर ऑपरेट नहीं करेगा फ्यूल पंप बैटरी की वजह से, तो फिर आपका फ्यूल पंप जल सकता है या ऐसे और प्रॉब्लम हो सकती है। तो कभी भी हाई स्पीड पे ना चलाइएगा अगर बैटरी में प्रॉब्लम है। कम से कम नहीं रखिएगा 50, 60, 70 मैक्सिमम रखिएगा, बस उससे ज़्यादा नहीं रखिएगा। क्योंकि फिलहाल इसमें तो अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि गाड़ी चलते हुए ऐसे कुछ दुख दुख कर रही है, ऐसा प्रॉब्लम कर रही है जो होने लगती है। मेरी लास्ट वाली जो मतलब प्रॉब्लम आई थी ना जब बैटरी की, तो उसमें ये होने लगा था। तो मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया था जिसमें मुझे कई वीडियोज़ में बताया गया था कि बैटरी के जब लाइक बैटरी प्रॉब्लम या सप्लाई प्रॉब्लम होती है गाड़ी में, तो कभी भी ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इनमें जब जितनी स्पोर्ट्स बाइक अब आने लगी है ना, इसमें जब फ्यूल इंजेक्टर्स आने लगे हैं, मतलब जो फ्यूल पंप आने लगा है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिकली फंक्शन करता है। जो पहले जो बाइक्स आती थी ना, उसमें डायरेक्ट ऑन ऑफ का होता था कि ऑन कर दो तो सप्लाई डायरेक्ट होती थी, तो ये होता था, कुछ भी इलेक्ट्रिकली पंप नहीं काम करता था। तो इस वजह से ऐसा है, तो धीरे ही चलाना है हम लोग को। तो आ गए हम शुरू और लेके चलते हैं अपनी बसंती को अंदर। और बैटरी बैटरी तो छोड़ो, टायर इतना गंजा हो गया कि उसको भी मारो तो स्लिप कर रहा है। तो यार अच्छे खासे खर्चे पे खर्चे, थोड़ा अमीर होने लगता हूँ फिर गरीब हो जाता हूँ। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। One hour later. हमारी गाड़ी अभी सही नहीं हुई है गाइस, अभी हमको जाना पड़ेगा आलमबाग, क्योंकि मुझे वैसे भी एक काम से जाना था वहाँ पे। तो वहाँ पे जो आलमबाग है, सेम इन्हीं लोग का वर्कशॉप है, वो भी इन्हीं सेम ब्रांच है, मतलब ओनर सेम है, तो वहाँ से ये सामान मंगवा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आज कोई बंदा देखने वाला था नहीं और मुझे भी उधर ही जाना था, तो मैं उधर से ही लेते हुए आ जाऊँगा। ये जो बैटरी थी, लोग पास ऑलरेडी एक बैटरी होती है जिससे ये लोग अपना चेक करते, तो वो लगा दिए ताकि मैं ईज़िली जा पाऊँ, और वापस आके ये लोग चेंज कर देंगे सब कुछ। मेरी बैटरी पूरी चार्जिंग में लगी हुई है, जो इसमें ख़राबी वो है, जो बैटरी चार्जर होता है वो ख़राब हो गया, तो बैटरी चार्जर ही मैंने लेने जा रहा हूँ। ना चार्जिंग कॉइल में कोई प्रॉब्लम आई है, ना ही बैटरी में कोई प्रॉब्लम आई है, प्रॉब्लम हो गई है चार्जर में जो बैटरी को चार्ज करता है। अब मैं चाहता तो रुक जाता, ये लोग भेज रहे थे किसी को कल, आज नहीं, क्योंकि आज इंजन का काम हो रहा था कई लोग की गाड़ी में, तो जिसके वजह से उन लोग के पास टाइम नहीं था। तो उन लोगों ने कहा था कि आप गाड़ी छोड़ जाइए आज, अश्वनी ऐसा बोलते आज छोड़ दो, कल लेके चले जाना। तो यार मेरे पास लेकिन टाइम नहीं है, क्यों, क्योंकि यार मैं अब वापस अकेले जाऊंगा, क्या नाम है, अपने घर, और फिर किसी कल वापस आऊंगा, तो भाई बड़ा दिक्कत हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो जाता है। अब मेरा अगर वहाँ जाना ना होता तो बात अलग है, लेकिन मुझे वहाँ जाना भी एक काम है, तो मैं वहीं से जाके ले आऊँगा और यहाँ पर आके इंस्टॉल करके लगवा लूँगा, तो मेरी गाड़ी हो जाएगी सही। अब मुझे दोबारा किसी दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हाँ कल जाओ परसों जाओ, अब क्या पता कल आए कि ना आए, कल आएगा अभी तो फिर वापस आओ। मेन चीज़ है आने जाने की बहुत प्रॉब्लम है, और गर्मी इतनी होती है ना कि बिल्कुल झेली नहीं जाती। अब मैं टेम्पो से वहाँ से यहाँ आता और फिर वापस जाता, यार बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ती है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जाके करवा लूँ, ज़्यादा बेटर है। A few moments later. अभी पता नहीं क्या हुआ है गाइस, गाड़ी बंद हो गई है, और पेट्रोल तो है गाड़ी में, कम है लेकिन है, इतना है कि मतलब गाड़ी ऑन हो जानी चाहिए, लेकिन ऑन नहीं हो रही है। अब रीज़न क्या है पता नहीं, अब एक बार अश्वनी को कॉल करके पूछूं क्या दिक्कत हुई है। हेलो, हाँ अश्वनी भाई, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी बंद हो गई। हाँ मतलब चलते चलते दुगाई थी एक बार, फिर बंद हो गई। पेट्रोल तो है गाड़ी में, कुछ नहीं लिख के आ रहा है भाई, पूरा सही है, कुछ नहीं है, जैसा होता है वैसा ही है। मतलब मीटर वीटर चालू हो रहा है, ऑन नहीं हो रही गाड़ी। हाँ आ रही है भाई, आ रही है। हाँ भाई, हाँ भाई गाड़ी बंदी हो गई है, नहीं मीटर हीटर सब चालू है, मीटर चालू है, मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई दिक्कत तो कुछ नहीं हो रही है मुझे
हाँ गाड़ी बस स्टार्ट नहीं हो रही, इंजन इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं ऐसे ही बंद हो गई चलते चलते। एक सेकेंड खोल दिया। कौन वाला? राइट साइड में वो लगे हुए हैं वो गोल वाला। हाँ लगाए टूल किट। टूल किट इसमें तो नहीं है, नहीं है। रुको एक सेकंड मैं देख रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को बुला लूँ, ऐसे खड़े होने का तो फ़ायदा है नहीं। आज का दिन कैसा है कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो धूप देखिए कितनी है, इसमें अब मैं फंस गया हूँ। हम मुझको यहाँ से आगे तो जाना पड़ेगा। अनुपम आ रहा है, थोड़ा छाँव आके देखता हूँ, वहाँ रुकता हूँ। अनुपम आ रहा है लेने, मेरा फ्रेंड है। तो यहाँ से निकलते हैं पहले। यार कैसी मुसीबत में फंस गया, पता नहीं कैसे गाड़ी बंद हो गई। मैं खड़ी कर देता हूँ, छाँव में रुक जाता हूँ, आगे मुझे नहीं लगता कोई जाने का फ़ायदा है। छाँव में रुक जाता हूँ यहाँ। ओ भाई यार वेट करना पड़ेगा मुझे अपने दोस्त का। आ गया हमारा सेवियर अनुपम, ये रहे अपाचे से। तो ये गाड़ी चलाए और मैं धक्का मारता हूँ। डॉन अनुपम आ गए। आओ हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? टोचिंग कर लोगी कि मैं करूं? लाओ मैं दे देता हूँ। अरे बाप रे पिकअप देखो इसका कैसा है भाई, पिकअप कितना तेज है इसका, और भी बिल्कुल व्हीली उड़ जाए ऐसी है। भाई लेके चलते हैं आराम से। अरे यार कम ही का डलवाओ, क्या पता देखे कुछ और प्रॉब्लम हो। 2200 सॉरी हाँ पावर ज़्यादा देखा डलवा लिया, और गाड़ी अभी भी ना चले तब तो और लग जाए। कम ही का डलवाओ ज़्यादा सही है। पेट्रोल तो लगा लिया तो भी गाड़ी ऑन नहीं हो रही है ना। देखो अश्वनी को कॉल करके बोले तो प्रॉब्लम बैटरी की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है, अश्वनी बता रहा है। अभी कॉल किया था तो मैंने धक्का मार के स्टार्ट करी तो स्टार्ट हो गई, यानी बाकी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बैटरी की वजह से ही हो रही है इतनी। तो सोच लिया बैटरी की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गाड़ी बंद हो सकती है, ये सब चीज़ें हैं। और अभी तो किस्मत अच्छी है, हम लोग ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, वरना कहीं और फंसे होते ना तो गाड़ी शॉर्ट होने की दिक्कत होती। मतलब जो वायरिंग होती है, छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं, छोटे बहुत सर्किटरी होती है ना, वो सब फ्यूज़ हो सकती है, ईसीयू ख़राब हो सकता है। तो ये सब बहुत समझ के करना पड़ता है, वरना अगर आपने ऐसी गाड़ी चलाई तो बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा हो सकता है। तो ये सब आपको देख के चलानी पड़ेगी गाड़ी। और कैसे हो भाई? हाँ भाई खराब हो गया है। अरे यार अभी गाड़ी हाईवे बंद हो गई और फिर ऑन कैसे करें, फंस गए। फोन किया कि हाँ ऋतिक फंस गए यार, अभी कैसे धक्का मार के ऑन किया, किस्मत अच्छी थी ये भी यहीं पे था, आवाज चौराहे पे। चलो थैंक यू भैया, ठीक है थैंक्स। और गाड़ी ऑफ काहे कर दिया? ये चार्जर है, यही तो ख़राब है। हाँ गाड़ी ऑन ही रखते ना, ऑफ क्या कर दिया। ले आ गए हम शोरूम पे। One hour later. फाइनली अपनी गाड़ी रेडी हो गई है, जो लेकर आए थे चार्जर वो इंस्टॉल कर दिया है, तो फिलहाल तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, फर्स्ट टाइम में ही स्टार्ट हो गई। और बैटरी अपनी पूरी सही थी, जो लग रहा था कि मेन चीज़ थी कि बैटरी ख़राब हो जाएगी, बैटरी सही है कि कॉइल प्लेट भी बिल्कुल सही है। और मैंने अपने ब्लॉग से चेक किया, 8 महीने हुए चेंज हुए, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है अभी भी, मतलब ऐसे भी। और जो प्रॉब्लम हुई थी वो भी हुई थी चार्जर की, जो चार्ज करता है आपकी बैटरी को, इंजन से जो पावर आती है और वो डायरेक्ट नहीं सप्लाई हो सकती बैटरी को, तो उसको वापस से इंस्टॉल कर लिया गया है। अब तो हो गई हमारी पूरी गाड़ी कंप्लीट। अब चलते हैं थोड़ा आगे भाई, बिल्कुल थक गए हैं, फिर आपको बताता हूँ प्राइसिंग वाइजिंग के बारे में क्या कितने रुपये लगे। और भाई यार तो भागम दौड़ी इतनी हो गई, एक तो गाड़ी बीच में ही बंद हो गई, वो एक जो धोखा मिला वो तो भाई बहुत खतरनाक था भाई, धूप इतनी थी कि हालत टाइट हो गई। देखो भाई ट्रैफिक पुलिस ने स्कॉर्पियो उठा ली चौड़ में, बिल्कुल तमता बड़े स्कॉर्पियो कुछ नहीं हो सकता।
सो गाइस आ गए घर पे और अब बिल की बात कर ले तो जो चीज़ चार्जर जिसे कहते हैं उसे रेगुलेटर भी कहते हैं, मतलब लाइक टेक्निकल वर्ड में जो इसमें बिल में लिखा है उसकी कॉस्ट है अप्रॉक्स 2,050 रुपये। और जो बैटरी का एक बेल्ट होती है जिससे बैटरी को टाइट किया जाता है वो लगा था 2,200 रुपये का सॉरी। और लेबर चार्ज लगी है 600 रुपये। तो ये हमारा बिल रहा था जिसमें सारा काम हुआ है, कुछ और मैंने काम कराया था वो अलग से, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी शोरूम में जो खर्चा आया है ये टोटल वो ये है। तो अप्रॉक्स मान के चलिए हो गया हमारा टोटल बिल हुआ है 2,662 रुपये का। तो ये रहा, और यही प्रॉब्लम थी, मुझे लगता था स्टार्टिंग में बैटरी प्रॉब्लम होगी या कुछ, लेकिन निकला कि चार्जर में प्रॉब्लम है, जो मतलब इंजन से जो पावर सप्लाई होती है बैटरी में वही नहीं हो रही है, तो चार्जर ख़राब था। तो ये चेक करा जब शोरूम में तब पता चला अच्छे से, वरना तो अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत जो अजम्पशन होता है वो मैं लगाता ही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर देखिए इन केसेस में ज़्यादातर मैक्सिमम बैटरी ही ख़राब होती है। वरना तो जो मेरा चार्जर चेंज हो रहा है वो आई गेस दूसरी बार चेंज हो रहा है, बहुत पहले एक बार चेंज हुआ था और अब हुआ है, यानी 2-3 साल हो चुके हैं। तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम देखिए ऐसे टाइम टू टाइम आती रहती है। तो फाइनली अब हमारी RC टेक्निकली सही हो गई, मतलब लाइक जितना वर्किंग चीज़ें हैं उसके हिसाब से सही है, लेकिन जो टायर है और ये सब चीज़ें हैं वो अभी भी ख़राब है, उनको हम किसी और वीडियो में सही करेंगे। सो गाइस यही था इस ब्लॉग में, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। बहुत थक गया भाई, धूप में फंस गए थे और ये सब हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ। I suppose you will never